तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो ठीक होंगे। तो मेरा नाम रवि और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप इस तरह के इंट्रो कैसे बनाए, इस तरह के इंट्रो बनाने के लिए मेरा वीडियो पूरा आज करना पड़ेगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपको गूगल पे आना है वो इंट्रो बनाने के लिए। चलिए हम गूगल पे आते हैं। गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है renderforest.com। तो चलिए आपको यहीं से सर्च कर लेना है renderforest.com। फिर आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको ऑनलाइन इंट्रो मेकर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको सर्च कर लेना है आपको रूबिक RUBIK के आपको सर्च कर लेना है रूबिक। तो देखिए जो इंट्रो आप देखे थे वही इंट्रो फिर आ गया। फिर आपको यहाँ पर देखिए रूबिक्स कब लोगो रिवॉल्वर पे क्लिक करना है, रिवॉल्वर पे क्लिक करना है। फिर देखिए कुछ इस तरह से फिर आपका सिंपली आ जाएगा। तो क्रेडिट नो पे आपको क्लिक करना है। क्रेडिट नो पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको आ गया। फिर आपको इसी में कुछ करना है। चलिए तो आपको योर लोगो का, आपको अपना चैनल का लोगो यहाँ पर लगा सकते हैं। से क्लिक करके देखिए आप अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड पे जाना है, फाइल पे जाना है। तो चलिए हम अपना लोगो लगाते हैं। तो चलिए आप अपना हिसाब से लोगो लगा लें। चलिए हम लगा लेते हैं लोगो। फिर आपको यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको आ रहा है टेक्स्ट का, वो टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू। तो आपको एड टेक्स्ट में जाना है। यहाँ टेक्स्ट वन में आपको अपना चैनल का नाम लिख देना है। तो चलिए हम अपना चैनल का नाम लिखते हैं। टेक आर एस। तो चलिए फिर आपको नीचे टेक्स्ट का सेकंड में जाना है। फिर आपको यूआरएल दे देना है। चलिए हम दे देते हैं अपना यूआरएल टेक आर एस। चलिए यहाँ फिर आपको यहाँ से हो गया। तो आपको देखिए सिंपली फिर आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए आपको एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट एनिमेशन सेकंड एनिमेशन आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हमको ये एनिमेशन लगाना है। फिर आपको देखिए अपना म्यूजिक भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप अपना डिफ़ॉल्ट म्यूजिक अपने से भी लगा सकते हैं। तो हमको यही सजेस्ट करते हैं कि यही म्यूजिक रहने दें ताकि सेट करता है। फिर आपको यहाँ पर देखिए फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कोई सा भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपको यहाँ से आना है और यहाँ से देखिए आपको सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लो क्वालिटी, यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट योर वीडियो इन लो क्वालिटी विथ वाटर मार्क। इसमें आपको वाटर मार्क आएगा। और यहाँ पे देखिए हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट योर प्रोजेक्ट HD 1080 जस्ट वंस में। तो आपको मतलब यहाँ पे 1499 का रिचार्ज करना पड़ेगा, जो भी करना पड़े पे करना पड़ेगा। तो लेकिन हम सह देते हैं कि हमको आपको फ्री प्रीव्यू में दिखाना है। तो वाटर मार्क आएगा तो हम आगे हम बताएंगे वाटर मार्क कैसे हटाना है। तो चलिए फ्री प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए फ्री प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ये मेरा वीडियो सेव हो रहा है। तो चलिए कुछ ही सेकंड इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए फाइनली मेरा वीडियो डाउनलोड हो गया। तो चलिए आपको हम चला के दिखाते हैं कैसा बना है इंट्रो। तो देख सकते हैं कैसा बना है इंट्रो। देखिए फिर आपको देखिए रिमूव वाटर मार्क अभी नहीं करना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ देखिए दो आइकन का, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए नीचे आपका अपना आईडी, जिस आईडी से लॉगिन करिएगा उस आईडी को आप दे देना है। देखिए यहाँ पे अपना आईडी लॉगिन कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए माई वीडियो पर आपको जाना है। मई वीडियो को आने के बाद आपका अपना जो भी प्रोजेक्ट किए होंगे वो अपना वीडियो आ जाएगा। फिर आपको देखिए यहाँ फ्री प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम डाउनलोड करते हैं।
तो डाउनलोड करने के बाद आपको बताएंगे कि आप वाटरमार्क कैसे हटाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको भी काइन मास्टर ओपन कर लेना है। तो चलिए वाटरमार्क कैसे हटाते हैं वो दिखाते हैं। आपको स्लो पर नैन पैन है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको जो इंट्रो लोडिंग किए थे उसको आप ले लेते हैं। चलिए तो चलिए आपको लेयर पे जाना है, फिर मीडिया पे जाना है, इमेज पे जाना है। यहाँ से सेम कलर ले लेना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, इसको स्क्रॉल करके यहाँ से कर देना है। फिर आपको जाना है क्रॉपिंग पे। क्रॉपिंग पाने के बाद यहाँ से मास्क को इनेबल कर देना है। सेफ पे जाना है, इसको कुछ इस प्रकार से कर देना है। तो चलिए यहाँ से फिर सेव कर देना है। यहाँ से फिर आपको यहाँ से इस प्रकार यहाँ से कर देना है। तो कलर अगर जो ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ से आपको कलर पे जाके आप उस कलर को ले सकते हैं। चलिए देखिए सेट हो गया कलर, यहाँ से आपको सेव कर देना है। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब देखिए चला के वाटरमार्क छप गया, हट गया। आपको भी इसी तरह कर लेना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।